कल शाम के वक्त एक खबर सामने आई, आदित्य सिंह राजपूत अपने घर में मृत पाए गए। और उसके बाद आज फिर एक और ऐसी ही शॉकिंग खबर सामने आ चुकी है। जी हाँ, अचानक से ऐसा लगता है फिर से इंडस्ट्री को किसी की नज़र लग गई है। मैं आपको बता देती हूँ कि इस वक्त जो खबर आई है वो है ट्रिपल आर मूवी के एक्टर्स में से किसी एक। जी हाँ, यानी कि ट्रिपल आर वो फिल्म है जिसने इंडिया को ऑस्कर में अपनी जीत दर्ज करवाई, ऑस्कर में कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाम हासिल करवाया। एक अरसे बाद इंडिया को इस तरह की जीत नसीब हुई और ऐसे में अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुखद ये खबर है। मैं आपको बता देती हूँ कि रे स्टीवेंसन, जी हाँ, जिनको आपने एज अ विलन देखा है, आपको उनकी तस्वीर मैं दिखा देती हूँ, रे को आपने ट्रिपल आर में विलन के किरदार में देखा है। बहुत ही उम्दा एक्टर, बहुत ही लाजवाब एक्टर, महज, जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग खबर है ये कि महज इतनी कम उम्र में, 58 की उम्र में रे ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। और ये बताते हुए वाकई काफ़ी तकलीफ हो रही है। आपको बता दें, वॉशिंगटन यूएस, जी हाँ, 23 मई को ऑस्कर विनिंग फिल्म ट्रिपल आर एक्टर रे स्टीवेंसन पासेस अवे ऑन संडे इन इटली एट द एज ऑफ 58। काफ़ी हद तक लोगों का ये कहना है कि ये खबर बहुत जल्दी बाहर नहीं आई। हालांकि ये खबर संडे को हुई है, लेकिन ये अब धीरे धीरे लोगों को पता चला है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये खबर सामने आई है, ट्रिपल आर मूवी के जो मेकर्स हैं, ट्रिपल आर के ऑफिशियल पेज ने इस खबर को पोस्ट किया है। जी हाँ, वो लिखते हैं, व्हाट अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस एज अ टीम, रेस्ट इन पीस रे, यू विल स्टे इन आवर हार्ट्स फॉरएवर। सर स्कॉट का किरदार उन्होंने निभाया था। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात वो ये है कि अचानक से ये खबर आई है और किसी को, आप कह सकते हैं ना, कि ऐसी खबर अडेप्ट करने में, एक्सेप्ट करने में बहुत वक्त लगता है। इंडस्ट्री में इस वक्त कुछ ऐसा ही हाल है। और रे ने कई सारी धमाकेदार फिल्म्स अपने करियर में की है, चाहे वो मार्वल्स की फ्रेंचाइज हो, चाहे वो वाइकिंग्स हो, इस तरह की कई सारी फिल्मों में वो नज़र आ चुके हैं। डेडलाइन के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि रे जो है, उनकी मृत्यु का कारण, एग्जैक्ट कारण क्या है वो अब तक सामने नहीं आया है। क्या कोई हेल्थ इलनेस थी, क्या कोई और कारण था, क्या किसी बड़ी इलनेस से वो डील कर रहे थे, या सडन हार्ट अटैक था, या क्या है एग्जैक्ट डिटेल, वो अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन इस खबर ने वाकई सबको दंग कर दिया है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे रे को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।